नमस्कार, नमस्कार। मैं डॉक्टर हितेंद्र गोयल यहाँ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपस्थित सभी अतिथियों, महानुभावों, पार्टिसिपेंट्स का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेट अस मूव टुवर्ड्स द रूट व्हिच इज द कॉज ऑफ आवर ओन एग्जिस्टेंस, द रूट व्हिच गिव्स अस स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल फाउंडेशन, द रूट व्हिच इंड्यूसेस इन अस द वैल्यूज एंड कल्चर, द रूट which is a very true identity of us. Yes, my dear friends, we are leading towards the roots. A spontaneous discourse with eminent personalities in the field of Indian classical music. I, Dr. Hitendra Goyal, welcome you all on the behalf of Department of Music, Jnana Vyas University, on second day of international webinar entitled Relevance of Gharana Tradition in Contemporary Music Education. समकालीन संगीत शिक्षा में घराना परंपरा की प्रासंगिकता, एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार जो संगीत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की डॉक्टर भूमिका द्विवेदी के निर्देशन में और कन्वीनरशिप में आयोजित किया जा रहा है। इट इज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर एंड इमेंस ऑनर फॉर ऑल अस दैट वी हैव वेरी लर्नड, एरुडाइट, वेल नोन पर्सनैलिटीज एंड आर्टिस्ट अमंगस्ट अस। माय डियर फ्रेंड्स, इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के दूसरे दिन के आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं, आदरणीय डॉक्टर अश्विन दलवी साहब, जो कि सुख बहार वाद्य यंत्र के गजब के मर्मज्ञ है और उनके पास इस वाद्य यंत्र का इतना गहरा ज्ञान है जिसको अभी आप थोड़ी देर पहले सुन रहे थे। आप वर्तमान में IIMRC नाद साधना के सचिव हैं और साथ ही आप राजस्थान सरकार में राजस्थान कला अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ऐसे विलक्षण एवं गुणी व्यक्तित्व को हमारे बीच पाकर हम धन्य हैं। सर, आपका बहुत बहुत हृदय तल की गहराइयों से स्वागत, अभिनंदन। प्रथम वक्ता के रूप में और सभी को मेरा नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। राजस्थान की सौंधी मिट्टी से आपका भावभीना स्वागत। प्रथम वक्ता के रूप में कोलकाता वेस्ट बंगाल से विदुषी मीना बनर्जी मैडम हमारे बीच में है। आप एक म्यूजिकोलॉजिस्ट और म्यूजिक क्रिटिक के साथ साथ हजारों संगीत प्रेमियों की मार्गदर्शिका भी रही है। मैडम, संगीत विभाग जनान व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर आपका घने मान पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। प्रणाम, आप सभी को प्रणाम। प्रणाम मैडम। द्वितीय वक्ता के रूप में हमारे मध्य उपस्थित है डॉक्टर मीता पंडित। आप ग्वालियर घराना गायकी से संबद्ध हैं एवं पंडित कृष्णराव शंकर पंडित की पीढ़ी परंपरा से आप आती हैं। सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण पर आपके विचार हमेशा ही हृदय को झनकृत करने वाले होते हैं। मैडम, जोधपुर की सौंधी मिट्टी से और इस सांस्कृतिक नगरी से हम आपका हृदय तल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वागत करते हैं समस्त पार्टिसिपेंट्स जो नेशनल इंटरनेशनल बाउंड्रीज पे हैं, जो संगीत को अपने दिलों में रखते हैं, जो कला मर्मज्ञ हैं,
विद्या अनुरागी हैं और साहित्य प्रेमी हैं। इस प्लेटफॉर्म से, इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म से, जोधपुर की इस धरा से, संगीत विभाग की तरफ से, संगीत प्रेमियों की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अतिथियों के स्वागतोपरांत आ गया है वक्त जब आत्मा और हृदय को खाद की आवश्यकता होती है, और इस खाद को देने के लिए हमारे बीच में आज के दिन के विशिष्ट मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच जो मौजूद है डॉक्टर अश्विन एम दलवी साहब, इनको मैं वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित करूं उससे पूर्व इनका एक संक्षिप्त परिचय देने की चेष्टा करना चाहूंगा। सुनकर के अनसुना इनकी आवाज नहीं, मिलकर भूल जाए कोई ऐसे इनके अल्फाज नहीं, किसी महफिल में छुप जाए ये इनके ऐसे अंदाज नहीं, सूरज जैसे दमकते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं। डॉक्टर अश्विन महेश दलवी, एक्स चेयरमैन राजस्थान ललित कला अकेडमी, हेंस स्टेट मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, इज एन एस्टेब्लिश्ड सुरबहार प्लेयर एंड एन इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट ऑफ इंटरनेशनल रेप्यूट। ही इनहेरिटेड द लव फॉर म्यूजिक एंड आर्ट फ्रॉम हिज फैमिली एंड स्टार्टेड हिज ट्रेनिंग इन म्यूजिक अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज इलस्ट्रियस फादर श्री महेश दलवी। फर्दर ही स्टार्टेड हिज एडवांस्ड ट्रेनिंग एक्सक्लूसिवली in Surbahar under the guidance of renowned musicologist and sitar maestro Pandit Arvind Parikh from Itawa Gharana, friend and senior most disciple of Ustad Vilayat Khan. Since then, he has been getting extensive taleem from Pandit Arvind Parikh and learning intricacies of the Surbahar, such as developing Dhrupad, Khayalang on Surbahar and Silsilewar Badat and traditional Bandise, so on and so forth. Dr. Dalvi has performed at many prestigious events all across the globe, including Tansen Sangeet Samaroh, USA Many Programs, Indian International Center New Delhi, ITC SRA Kolkata, NCPA Mumbai, Sankat Mochan Mahotsav Banaras, and many more. He has been a faculty member at renowned universities at India, namely Banastra University, Banastali, and Maharaja Siraji Rao University, Baroda. Dr. Dalvi is a panelist in a scholarship program sponsored by Ministry of Tourism and Culture, the Government of India. He has also been a board of member of Jawahar Kala Kendra, Government of Rajasthan, Jaipur, West Zone Cultural Center, Government of India, North Zone Cultural Center, and North Central Zone Cultural Center, Government of India. Sir, we are indeed very, very lucky and fortunate to have you amongst us. And honor and respect invite you for your lecture and deliberation. बहुत बहुत धन्यवाद हितेंद्र जी परिचय के लिए। और शुरुआत करूं उससे पहले मेरी बड़ी दीदी मीना दीदी यहाँ पर हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने इस विषय पर, इस ज्वलंत विषय को, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर संगीत विभाग के माध्यम से इस तरह का वेबिनार ऑर्गेनाइज किया, जिसके पैनलिस्ट को अगर आप देखेंगे, उसकी सूची देखेंगे, तो आपको लगेगा कि या तो ये सेमिनार एनसीपीए मुंबई ऑर्गेनाइज कर सकता है या फिर एसआरए संगीत रिसर्च एकेडमी ऑर्गेनाइज कर सकता है। ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को सबको एकत्रित करने का श्रेय आपकी यूनिवर्सिटी को जाता है। तो मैं वाइस चांसलर साहब जो प्रवीण चंद्र जी त्रिवेदी हैं उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा और कहूंगा कि आपका जो स्टाफ है वो इतना समृद्ध है कि इन सब लोगों को इकट्ठा कर सके। विशेष रूप से भूमिका द्विवेदी जी के इसमें जो रोल है उसको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, उनकी बहुत तारीफ करता हूँ। कमिंग टू द टॉपिक, आई एम नॉट द मेन स्पीकर एज सच, बट कुछ एक चीजें जहन में आती हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। समय मेरे पास में नहीं है बोलने का, मगर फिर भी द रेलेवेंस ऑफ घराना ट्रेडिशन इन कंटेम्प्रेरी म्यूजिक एजुकेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कहता हूँ कि घराना अपने आप में एक जो शब्द है वो मूल रूप से शायद संगीतकारों का न रहा हो। इसकी जो शुरुआत हुई इस शब्द की वो राजघराने से हुई, मगर जब हम राजघराना शब्द सुनते हैं तो जहन में राजनीति आती है, पॉलिटिक्स। और शायद संगीतकारों के लिए पॉलिटिक्स से बढ़कर घृणित शब्द कुछ नहीं हो सकता। या आम जन के लिए भी अगर राजनीति शब्द सुनेंगे तो कोई बहुत अच्छा परिचय सामने नहीं आता, क्योंकि राजनीति से जुड़ा हुआ है, न जाने कैसी हो, पॉजिटिव हो कि नेगेटिव हो।
मगर अन्य किसी भी विधा ने इस शब्द को नहीं अपनाया और संगीत ने इस शब्द को अपनाया, तो जो शब्द का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मीनिंग का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो इस शब्द से मिल सकता है कि जहां राजघराना पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है, वहीं घराना संगीत से जुड़ गया। यानी कि पॉलिटिक्स टू साधना, ये जो शब्द का एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो हमको इस शब्द से देखने को मिल सकता है कि संगीतकारों ने जब इस शब्द को अपनाया तो इस एक एक चित्र जो हमारे सामने राजनीति को देखकर आता है वो सीधा घराना शब्द से साधना को देखने से जो हमें फीलिंग्स आती है वो आ गया। इसमें मैं संगीतकार चूंकि वो स्पिरिचुअल है, भक्ति मार्गी है, आर्टिस्ट बाय नेचर है, नियर टू नेचर है, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन की व्याख्या में कर रहा हूं कि कैसे वो पॉलिटिक्स से साधना में बदल गया और घराना शब्द आते से ही अब राजघराना नहीं आता, अब संगीत का ही घराना हमारे मस्तिष्क पटल पर आता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि व्हाट इज द पावर ऑफ एसोसिएशन। एक संगीतकार का किसी शब्द के साथ में भी जब एसोसिएशन हुआ तो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाह रहा था। ग्रेजुअली इट बिकेम अ सब्जेक्ट ऑफ प्राइड, और आज भी वर्तमान में भी चूंकि कंटेम्प्ररी म्यूजिक एजुकेशन पर है तो मैं कहूंगा कि आज भी जब हम अपने आप को किसी घराने के साथ में एसोसिएट पाते हैं, भले ही आप कितने भी श्रेष्ठ संगीतकार हों या अश्रेष्ठ हों, मगर अगर घराने का एक स्टैम्प आपके साथ में लगा हुआ है तो यू हैव आई मीन यू फील वेरी प्राउड, आई डोंट नो व्हाई हाउ, मगर एक ये अंदर भीतर एक गर्व सा महसूस होता है। संभवतः इसलिए कि एक सिस्टमेटिक तालीम का तरीका रहा हो, एक स्टाइल बन गया हो, और उस स्टाइल को लेकर जब आपने वो स्टाइल डेवलप किया और उस घराने का आपके साथ में छाप लगी तो वो गर्व वहां से महसूस हुआ हो। मैं भले ही बहुत अच्छा संगीतकार हूं और किसी घराने से एसोसिएटेड नहीं हूं, तो एक एक हीन भावना शायद काफी संगीतकारों में देखने को मिली है, और वहीं बहुत बड़े श्रेष्ठ संगीतकार भी नहीं हो मगर एक घराने के साथ में एसोसिएशन हो तो वो एक जो प्राइड रहता है अंदर, भीतर के अंदर का जो गर्व रहता है वो हमारे बॉडी लैंग्वेज में देखा जा सकता है। तो एक ट्रेडमार्क या स्टाइल आप इसको कह सकते हैं। इसमें जैसे आपको बताऊं, अब ये जो घराने थे कैसे संगीतकारों के नाम पर तो नहीं हुआ करते थे, ये तो राजघरानों के नाम पर ही थे। जैसे आगरा एक राजघराना था, उसके घरानेदार जो उसके जो संगीतकार थे वो उस नाम को लेकर चलते थे, तो इसीलिए एक समय तक संगीतकारों ने अपने नाम के आगे घराना नहीं लगाया। मगर ब्रिटिश एरा के बाद में मेरे ख्याल से एक समय ऐसा आया जब संगीतकारों को अपने पैलेसेस छोड़ के, अपने ये जो कोर्ट छोड़ के इधर से उधर पलायन करना पड़ा, तब उनको अपने घरानों के भी नाम चेंज करने पड़े। अब जैसे असद अली खान साहब हैं, रुद्रवीणा वादक हैं, तो वो जयपुर बिनकार घराने से एसोसिएटेड थे, बाद में रामपुर सहसवान चले गए, तो पहले वो जयपुर बिनकार घराने का लिखते थे, बाद में रामपुर सहसवान घराने का लिखने लगे। तो ऐसे घराना सिर्फ प्रैक्टिस में उनके कोई परिवर्तन नहीं आया, जो मूल स्टाइल था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, मगर स्थान परिवर्तन से, चूंकि राजघराना अपेक्षा रखता था कि उनके राजघराने में है इसलिए उन्हीं के राजघराने का नाम वो करें। एक समय बाद जब ये घराना परंपरा कम हुई तो संगीतकारों ने अपने नाम के आगे वो घराना जोड़ दिया, जैसे उस्ताद इमदाद खानी घराना। तो ये बाद की चीज है जब संगीतकार खुद अपने आप को घराने से एसोसिएट करने लगे, तो शब्द वही की वही रह गया मगर वो पैटर्न चेंज हो गया। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं मेरे ख्याल से इस 3 दिवसीय सेमिनार में आप लोगों को सुनने को मिलेंगी, विषय विशेषज्ञ आप लोग के साथ में है। बस आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया और यहाँ पर बुलाया। एक बार पुनः मैं जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का अभिनंदन करता हूँ कि इस स्तर के वेबिनार्स आप लोग कर रहे हैं, स्पेशली वाइस चांसलर साहब का और वाइस चांसलर साहब की टीम का जिसमें मुख्य भूमिका निभा रही है भूमिका द्विवेदी जी। एक बार पुनः आपको धन्यवाद। मैं बहुत उत्सुक हूँ कि मैं मीना दीदी को सुन सकूं, इसलिए मैं अब बस यहीं पर ही विराम दूंगा और सब विषय विशेषज्ञों को सुनने के लिए अपनी उत्सुकता जाहिर करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, संक्षिप्त में ही सही, लेकिन आपने संगीत के माध्यम से जो घराना के साथ जुड़ाव होता है और वो कैसे कॉन्फिडेंस देता है, एक ये शब्द लगना कि घराना से हम आते हैं,
वो एक आत्मविश्वास देता है और एक जिम्मेदारी भी देता है कि हम संगीत की साधना कर पाए और संगीत के माध्यम से लोगों के आत्माओं और हृदयों तक पहुंच सके। आपके इस संक्षिप्त लेकिन आशीर्वाद रूप ये जो शब्द थे, ये निश्चित रूप से हम सबको मोटिवेट करेंगे, निश्चित रूप से हमारे लिए अभिप्रेरणा का काम करेंगे, ऊर्जा का काम करेंगे, फ्यूल का काम करेंगे। जैसा कि आपने कहा कि आप वक्ताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं, तो आपसे ज्यादा भी उत्सुक हमारे पार्टिसिपेंट्स और हम हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं वक्ताओं को आमंत्रण दूं, मैं निवेदन करूंगा इस अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार की संयोजिका और निर्देशिका मैडम डॉक्टर भूमिका द्विवेदी से कि आप वर्चुअल प्लेटफॉर्म की स्पॉटलाइट में पधारें और इस पूरे वेबिनार की थीम को एक्सप्रेस करते हुए ये भी बताएं कि आज के दूसरे दिन की शुरुआत से पहले जो म्यूजिक आप मधुर संगीत सुन रहे थे उसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन दें। डॉक्टर भूमिका द्विवेदी, माय हंबल प्रणाम टू एवरीवन। I thank you, our esteemed guest of honor, Dr. Ashwin M. Dalvi, sir, maestro of Surbahar. Surbahar is an instrument similar to Rudra Veena. Sir, I really, really express my hearty gratitude to you and for accepting my request to come on this virtual platform. And I'm really fortunate enough to saying this among everyone today. I have been fortunate disciple of Ashwin Dalvi sir when I was in Banaskali University. So was there my teacher, and I'm really fortunate student of him. I welcome our esteemed speaker Vidushi Meena Banerjee ma'am, Dr. Meeta Pandit ma'am, and our music loving audience. I heartily welcome you all from the Department of Music, Narayan Vyas University. I express my hearty gratitude towards the guest speakers for accepting my proposal and participating in this 3 days international webinar. Friends, before the session started, you were listening a beautiful music. It was Surbahar, playing by Dr. Ashwin M. Dalvi sir, and it was Ragdesh on Surbahar. I personally feel when you listen to the music, it was very peace-giving, it was very heart-soothing, it is really, really a very profound music from Sur Bahar, which he plays. Talking about the topic, we are dealing with the relevance of Gharana tradition in contemporary music education. As I told you all yesterday, it was a thought process. Being an artist and academician, that for my side, that's a parampara in which I have been learned and the process in which my students are learning should be a beautiful blend of tradition and new approach. Thus, the idea took shape to organize this event and connecting more and more people with this idea that we may prepare a new generation for which India shall be proud of as our cultural heritage. So I thank you, all of you once again, and I welcome all of you in this 3 days international platform. Thanks to my team, thanks to VC sir, Dean sir, and everyone, every audience. I can't thank you enough to Hitendra ji for co-hosting this session. Hitendra ji, over to you. Thank you, sir. Thank you so much, ma'am. University is a family and we are all working together. So it is the duty of all the teachers that we feel togetherness, we feel the cooperation. Even the music teaches us to get connected with the souls, irrespective of caste, class, creed and religion. And that is what your particular seminar has done. And it has motivated me even when I got your call. It was wonderful on your path to contact me. And I was even lucky to get the names of the speakers and the guest honors. I am fortunate enough to listen to you and listen to all these speakers. Thank you, madam, for introducing the theme and letting us all know the basic purpose behind organizing this conference. Now it is time to invite the speakers, jiske bare mein kafi samay se hum unke extensive lecture ko sunne ke liye, टेक्निकल बातों को जानने के लिए, गहराई में उतरने के लिए, म्यूजिक को आत्मा से समझने के लिए
मैं पहले वक्ता को इनवाइट करूं जो कि प्रॉस्पेरिटी ऑफ रागदारी संगीत इन कॉन्टेक्स्ट टू जोनल कल्चरल एनवायरनमेंट विषय पर बात करेंगी। हमारे बीच में विदुषी मीना बनर्जी हैं, मैं उनको इनवाइट करूं, उनसे पहले उनका संक्षिप्त परिचय पढ़ना चाहूंगा। अ डिसाइपल ऑफ पंडित अमरनाथ, पोस्ट ग्रेजुएट इन संस्कृत, संगीत प्रभाकर इन क्लासिकल वोकल एंड तबला, ट्रेन्ड इन थुमरी गजल, रविंद्रनाथ संगीत एंड ए डेडिकेटेड स्टूडेंट ऑफ म्यूजिकोलॉजी, मीना बनर्जी इनिशियली इमर्ज्ड एज ए वोकलिस्ट एंड परफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया एंड अब्रॉड। फॉर्मरली an art administrator, editor, and event organizer. She continues to teach musicology as the visiting faculty of Kolkata Films and Television Institute. And she is a trilingual writer, translator too. She has several books to her credit and contributes in select diaries and magazines as an art critic. The archival 52 episode TV serial, Raag Rang Shastr Ke Sang, presented by Pandit Vijay Kichlu, and repeatedly telecast on DD Bharti, was researched and scripted and coordinated by her. Her work fetched several prestigious awards, including Media Excellence Award, Abhinav Gupta Samman, and Swayam Siddha Award. Madam, we are very much fortunate to have you amongst us. Main char panktiyon se aapko aamantran deta hoon, madam, ki haar ko jeet ki ek dua mil gayi, tapt mausam mein ek hawa mil gayi, आप आए मैडम जी कुछ यूं लगा, सुने से मन को खुशियों की दवा मिल गई, सुने से मन को खुशियों की दवा मिल गई। हार्दिक स्वागत प्रथम वक्ता के रूप में विदुषी मीना बनर्जी। मैं अभिभूत हूँ आपके इस स्वागत भाषण से और आपकी इस कविता से। प्रणाम, माय हम्बल प्रणाम टू एवरीवन। I was asked to speak in English, so I'll continue with that. I'm very grateful to the Department of Music, Jayanarayan Vyas University, Jodhpur, for giving me an opportunity to participate in this prestigious webinar. Dr. Bhumika Dwivedi sent me a topic, Prosperity of Ragdari Sangeet in Context to Zonal Cultural Environment. Frankly speaking, this topic has several dimensions. We can draw a conclusion only after reviewing our rich past. What was the zonal cultural environment in ancient India, medieval India, modern India, and what it is now in postmodern India? Frankly, music appears to have transcended time, place, and culture even in those far off primeval days. Historical evidences help us believe that despite diversity, the entire subcontinent was governed by only one philosophy, and that was the philosophy of devotion. The whole concept of Indian music, be it folk or ragdari, I'm including both, folk or ragdari, both were born out of the devotion inspired by nature. We Indians are very lucky to have, to be born in a country where we can be very close to nature, very close to Mother Nature. The ancient seers knew that the seven notes of music are actually seven hues of Omkar, the omnipresent sound of universe, called Adinad, or the first root sound. It is also called Anahat, unstruck, not played upon, because this is eternal and auto-operative in its macrocosmic form. Indian mythology, philosophy, and science held a holistic view. According to this holistic view, a living human body is the microcosmic representation of macrocosmic universe.
That is why we so easily we say so aham. We are interconnected. That is what our seers saw, and we all believe in that. So let us take mythology first. Shiva, the cosmic dancer with Damaru in hand, created Rudraveena. He is believed to have created Rudraveena. His five faces created five ragas according to our seers. First rag is Bhairav. From his east face, he created Bhairav. From his west face, he believed to have created Hindol. His north face created Megh. His south face created Deepak. And his fifth face, directed towards the sky, created Shri. And his consort Parvati created Kaushik, Raga Kaushik. Then Brahma is the creator of Mridang, Nad Brahma, Shabd Brahma. He is the creator and personification of celestial music. He generated and empowered Gandharvas who meditated on music. He also created Narada, the divine sage, and Saraswati, the goddess of learning, who played Veena. Their sole aim was to disseminate music among gods, human beings, and other creatures. We know that other creatures also sing and dance. Koyal ki pancham sabko malum hai, or peacock dances is so famous that peacock is the national bird. Saraswati, goddess of all Vidya, who plays Veena, created seven notes that are associated with gods Ganesh, Agni, Rudra, Vishnu, Narad, Shiva, and Surya. All this is, based on mythology. Then we come to Vishnu, who plays Shankh or Conch. And he created Om, the primordial sound. Now, philosophically, this transient worldly music is a part of celestial music. We all believe this. Ye jo sadhana ki baat hoti hai, ye sab, this all leads to the celestial music. And historically, it is proven that there are old tribes by the name of Gandharva, Yaksha, or Kinnar. Tamburu, a leader of Gandharvas, who is believed to have created Tanpura, was hailed as a rishi. Narada seems to have lived for millions or thousands of years. Historians say that anybody with the original Narada's virtues was called Narada. Same thing applies to Bharat Muni. We come to that topic later. Saraswati might have been an exceptionally fair and learned lady belonging to the Arya tribe. However, these are guesses, but based on certain facts found in epics like Ramayana, Mahabharata, etc. In Ramayana, we find that it introduced the form of shloka. Shlok form mein Ramayana likhi gayi. Before that, richas were there, mantras were there, but shloka came with musical lilting rhymes. Ram is depicted as a practitioner of Gandharva Vidya, so are Sugriv and Ravana. And later we find that Lav Kush also sang very well. Ram, Sugriv and Ravan, they all belong to different regions of India.
Ram belonged to the northern part of India. Sugriv was towards the southern part, middle and southern part. And Ravan hailed from southern India. But their musical instruments and philosophy was the same. Shiva was their deity. Ram also worshipped Shiva. Ravan also worshipped Shiva. Ram worshipped Vishnu. So, you know, their musical philosophy and instruments were known as Veena, Venu, Shankh, Dundubhi, Bheri, Mridang, Panav, etc. In Mahabharata, this was around 400 BC, we find Krishna, the magical flute player, then Arjuna, who learned Gandharva Vidya. Then Maurya and Gupta era was between 189 BC to 400 AD. And thanks to Kalidas, Shudrak, Vanabhatta, Bharavi, Sanskrit's musicality was at its zenith and music was very rich in this era. The telltale carvings on ancient temples and several scriptures such as Bharat Muni's Natyashastra or Matang Muni's Brihadrishi shed light on our ancient history. Natyashastra is based on highly evolved stagecraft and performing arts revolving around the rich literature. It actually codified Gandharva Vidya or Marga Sangeet. All this is believed to have happened between 3000 BC and 200 BC. This is so ancient. Those were the days when these rishis, munis, or gurus believed in imparting holistic knowledge. They lived the tradition and everything was interconnected. Every vidya was interconnected. Each guru developed his own sampradaya or sect. Like Veena and Pushkar Vadya's tambura was widely used all over India. We gather that the arena of Samgan only, there were thousands of different sampradayas all over India, and there were more than 300 varieties of prabandhas, the precursor of Drupads. I'm covering this period very rapidly so that we can have time for questions also. Then we see the influence of Middle Eastern culture around. So this Sufism blended very well with Indian philosophy and Indian mindset because it believed in love and spirituality. Like Indian, the focal point of Indian music is spirituality. Sufism also practice spirituality and universal love. Apart from the Gandharva Vidya or Marga Sangeet, folk music belonging to different parts of the country developed simple but distinct styles, inspired by religious fervor or simple joy due to mundane reasons like sowing seeds, crushing stones, carrying water, welcoming rains, or hoarding away a good harvest. Indian folk music was essentially community singing. Solo singing was not their main idea. Music in hilly terrain had natural echoing effect. Plains preferred standing, elongated melodic structure.
riversides or seashores demand calling out at the top of one's voice. These are very natural things. Most classical musicians tend to look down upon the folk as the lesser genre of music, but Indian classical music seems to have derived its source from the folk. Matang Muni's Brihadeshi recognized this Desi Sangeet or Sadharani Geeti with due respect. We find that a lullaby steeped in mother's love for her infant, or a song springing out of the pangs of separation from a loved one, remained solo. Though basically folk music is community singing, but here we find that solo singing was also a part of folk singing. The moods related to different seasons or a particular time of the day played a pivotal role in shaping them. These followed certain melodic patterns. Malhar, a rich and lively folk from Uttar Pradesh, is a vital example of this. The pentatonic ragas like Bhupali, Malkons are found in the folk songs of the northeastern hilly terrain of India. And though a different voice throat gives them an alien form, these melodies are a part of the Southeast Asian folk music as well. If you go to Burma, if you go to China, if you go to South Korea or North Korea, there also you will find traces of Malkons and Bhupali. This is very surprising, but it is there. Pahadi is another such rag. Ragas like Multani, Gurjari, Gaur, Marwa still carry the names of the regions they belong to. Gaur represents Bengal. Marwa obviously is from Malwa region. So they still retain the names of the regions they belong to. Then in medieval India, in Mughal period, we find learned musicians and musicologists like Amir Khosrow, who had and his Persian lineage. Then rapid dramatic evolution of Hindustani classical music during Mansingh Tomar's time. Then Akbar tried to protect. I'm covering this very fast because we are very well aware of this part of the history, this time of the history. Akbar tried to protect the culture, and we find that there were so many musicians like Tansen, his guru Haridas Swami, and Baiju Babra. They are immortal musicians. Later, Aurangzeb banished music from his court. This was the time when Bhakti movement gathered momentum across India. All the regions were under the siege of Bhakti movement. This became the root cause of the emergence of different gharanas and Haveli Sangeet. Bhakti movement encouraged Haveli Sangeet. And since Aurangzeb had banished the musicians from his court, the gharanas emerged because musicians huddled in small towns, and that is how where they kind of saved their musical knowledge. They lived in a cocoon, and that is how the gharanas emerged. Essentially, this happened in northern India, but this music became, this gharana music or northern Indian music or Hindustani classical music became hugely popular in Maharashtra, Bengal, and Mysore, which is another very surprising thing. In those days, there were no radios, no mass communication
electronic media or newspapers, but then they became hugely popular in different regions. And the Maharashtra in western coast, Bengal in eastern coast of India, and Mysore in the southern part of the country. Then we come to modern era. During British period, modern education gave more importance to written text. Whereas in India, we always believed in Shruti and Smriti. That is why we call even Ved is known as Shruti. Shruti means whatever you hear, and Smriti means whatever you retain. So Shruti and Smriti, oral, that means oral tradition was the root of all Vidya. Not only music, every Vidya was given by this process, oral tradition, Guru Mukhi Vidya, everything is Guru Mukhi Vidya, and music is more so. But modern education gave more importance to written texts. Bhatkhandeji and Palustaji's innovations and countrywide cultural renaissance brought raga music closer to masses. Came very close to masses. Earlier, it was only for elitist class. When it was temple music during Vedic era, it was segregated from folk music. When it was Rajashray, jab isko mila in the latter period, it was only for the king's courtiers and his royal friends. It was not for common people ever. So, but in this cultural renaissance brought raga music closer to masses. Concept of music schools gathered momentum all over India. Later, film industries in Bombay and Bengal relied heavily on ustads, classical trained ustads, and professional women known as tabaibs. Then corporate sectors stepped in, led by the Sri Rams of Delhi, ITC in Calcutta, Tata's in Bombay, and many others. After this, we find that government bodies in every zone are trying to encourage raga music apart from reviving and popularizing local arts and crafts. Thanks to this, one is more aware of the fact that oral tradition, even in folk, is as important. Folk music also retains this treasure, this oral tradition. Each region, tribe, each cultured family of a particular city cherishes its own treasure even now. This is a very natural phenomenon that we find all over India. And this is more so in the case of classical gharanas. Like olden sampradaya, gharana tradition is nothing but an ideology. Ideology is the way of dictatorial, I'm sorry to say this, but this is the way of dictatorial regimes, which lays down certain rules for everyone to follow. Basically rigid in nature, these rules help chisel a musical personality. It has a very positive effect. The most important character of Indian music is that it is based on the aesthetic sense of the musician. Improvisation is the key. It cannot be memorized or reproduced. Notations, therefore, are of little use. Now we come to postmodern era. What we see now that
easy access to music leads to postmodern synthetic gaiki. What is synthetic gaiki? These days we find, I'm very frank when I say that I have seen SRA from very close quarter, the Sangeet Research Academy, and there there were gurus from all important gharanas, from Agra Gharana, from Rampur Saiswan, from Patiala. From, I'm sorry, there's a disturbance, recurring. All the gharanas under one canopy. So the scholars or students keep listening to the musicians, the gurus, and jo bhi acha lagta hai. So naturally it blends, and a synthetic gaiki develop kar gaye. So this era swears by the recorded material available online, apart from SRA's, whatever I said about SRA, this era swears by the recorded material available online, but these cannot even guide to the basics. What are the basics? Sitting posture, facial expression, muscle control, breath control, suitable pitch, voice throw, purity of swaras. These are the basic things. They don't teach all these. Leave alone the hidden techniques, such as finer nuances and the dramatic appeal of the total presentation. So despite all these facilities available, the Guru Shishya Parampara remains indispensable. Raga Sangeet cannot thrive without Guru Shishya Parampara. And as Ashwin very logically said, that gharana ka parichay ek stamp deta hai. This tells that you have specialized something. You almost PhD karne ke baad specialization ya usse bhi aage badhne ka ek rasta dikhata hai. So Guru Shishya Parampara remains indispensable, and moreover, each zone has its own unique stamp due to natural impact of weather conditions along with cultural impact. For example, we take the case of Bengal. Here we find that apart from the rich tradition of folk, there is a great impact of Panchkavi, led by Rabindranath Tagore. They left an indelible mark on Bengal's musical psyche. Here we find music in every household, melody gets priority above the pure structure of rag. This is very important thing that I noticed here, that emotionally evocative melody is more important to musicians than the pure structure of rag. Moreover, when Wajid Ali Shah was exiled to Bengal, he brought the Puravang Gaiki with him here. Maybe that is why Thumris are so rasili in this part of the world. Despite Vishnupur's presence, the pristine form of Dhrupad and Khayal took a back seat till the arrival of Sangeet Research Academy. Instrumental music thrives, no doubt, thanks to Baba Alauddin Khan, Ustad Kabir Khan, Pandit Gyan Prakash Ghosh, and instrument makers are also excellent music instrument makers.
belong to this region. इसका भी कारण है क्योंकि यहाँ पे जो तुम्बे के लिए जो material है वो बंगाल का different है from Meerut and from other places. So it has its own value. Then in case of Maharashtra, we find that due to Natya Sangeet's impact, pristine quality of structure is maintained. High-pitched voice through clear enunciation of lyrics are the positive effects of Natya Sangeet on raga music there. It still continues. This basic difference between Maharashtrian musicians and Bengali musicians is still there. Then we see Dharwad region, which has its own uniqueness, so has Punjab. And despite the uniqueness, the postmodern musician is growing out of gharana ideology, or should we say zonal divisions. They now believe in the philosophy of skillful cultivation of arts. कोई मीडियोकर कोई बात अब रही नहीं. Philosophy like all natural phenomena develops slowly and evolves gradually. It appears weak, but it grows and expands continuously, adapting and evolving to accommodate new inputs and successfully adapting to changing situations. So this is happening now. What we see now that live auditions on the television channels are educating masses. They are not satisfied with the local traditions and followed by regional success. They wish to be seen on national and international platforms. And for that, they are ready to learn the basics or the scientifically structured raga music under a gharanedar musician. Unlike an ideology, this philosophy has far-reaching effect. Going by the present trend and standards of different reality shows, we are already reaping the result. Agreed that all are not practicing raga music after a point, but they are training with classical musicians and with telling effect. On this positive note, I wish to wind up. And if there are questions, Thank you so much, ma'am. First time ever in my life, I paid too much attention to somebody's so well-researched, extensive deliberation in which you write from the philosophy that is devoted towards nature and how we get our association with nature and Mother Nature taught us in many ways. You began from the goddess, then you started the whole journey and led us towards the modern and postmodern times where music has its potential, while it's sometimes the dark clouds are there, and we the servers of music, we the lovers of the music, have to remove such kinds of clouds. Your lecture, including mythology, including goddess of knowledge who plays Veena, and you also told that this all reads to celestial music. Kis tarike se pehle richaye aur sukt hote the, the Ramayan mein shlok shuru hue, musicality kahan se shuru hoti hai, holistic view ki baat kari aapne, madam. Everything was interconnected. Kis tarike se music pure brahmand ko jodta hai. All and all, I enjoyed as a outsider, since I hail from Department of English, still, okay. I enjoyed your deliberation. You were so much captivating, along with your way of beautiful pronunciation, which made us all to understand what you really wanted to convey to you. Thank you so much for wonderful deliberation, madam. And now it is time for the question answer. I would like to invite the director and convener of the
webinar. If we have certain questions from the participants, and even we can pose certain queries. We are not here to question anything. We are just here to interact with you, madam. Over to you, madam. Thank you, sir. Thank you very much, Meena ma'am. We are really grateful to hear you today. I have some questions, and as well as our participants too, we have some questions in our chat box. So let's start first with my questions. I take this opportunity. So ma'am, I just want to ask you, when we talk about Ragdari Sangeet, we see many of our rural or we can say folk music connected to it. So from Ragdari Sangeet, our folk music or zonal music is connected somewhere to ragas. Yes. Yes. So, I just want to, can you tell us some example of Bengali folk music having ragdari? As you belong to there, I just actually I want to have some examples of Rajasthani folk music related to ragdari too. I just wanted to know about Uttar Pradesh and Punjab too. But as you belong to West Bengal, so just can you tell us some Ravindra Sangeet or some folk music of West Bengal, examples of that folk music related to ragdari Sangeet, connected with that? Yes. As you are aware, most of the musicians play Bengali folk as they offer it as dessert after the main course. When they play raga, after that they play either baul or bhatiali or these folk tunes, based on folk tunes. And even kirtan is supposed to be a folk form. But Bengali kirtan, pala kirtan, is based on totally raga music. They sing prabandh, they sing drupad, they sing... these forms are also found there in kirtan. Kirtan is a very rich folk tradition of Bengal. And it's almost all the ragas are sung in kirtan. That way they are connected. If your question you want to find out whether folk melodies led to rag, that is also there. That I mentioned in my earlier, that God rag is not heard anymore. But this belongs to Bengal. God is related to Bengal. So God Malhar is there, God Sarang is there, and God Ang is, we discuss God Ang in many ragas, ki ye God Ang hai isme. So ye, this came from Bengal. And Surat and Mand are denoting the Rajasthani folk music. Rajasthani, yes. And UP gave Malhar. Malhar was a folk. Dhamar is a form, but Dhamar is in my childhood days. I belong to UP. I came from UP. So. In my childhood days, I would often listen to people, "Arey chalo dhamal machate hain." So, ye jo dhamar word bhi wahi se aaya, because that is why most probably it is full of zest of life. So, these folk culture, folk traditions, folk melodies are absolutely intertwined with Raga Sangeet. Yes, ma'am. When we say based on folk music, as you said earlier just now, folk music, right, this also is based on Ragdari Sangeet. So I just want to, as we know, classical music has their origins in Vedic scriptures. And we are saying folk music is based on Ragdari Sangeet. So
is the folk music based on Ragdari Sangeet, or the Ragdari Sangeet is based on that folk one? Both ways. Both are influenced by each other. Yeah. Okay. And you cannot segregate them. You cannot segregate. As I said, Kirtan is, like in Haveli Sangeet, as we find that there are time zones. They follow the time zones. Okay. प्रभात समय में ये गाना है, इस समय में ये जो ठाकुर जी की सेवा के लिए जो एक अलग अलग समय का निर्दिष्ट वो समय निर्दिष्ट है, तो सिमिलर थिंग इज फॉलोड इन कीर्तन आल्सो, विच इज अ फोक आर्ट फॉर्म, एंड बाउल या भटियाली, दीज आर दे गिव बर्थ टू वेरी रिच मेलोडिक फॉर्म्स. ऑफ कोर्स इट इज, एंड दैट इज माय द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दीज फोक म्यूजिक आल्सो हैविंग दिस राग समवेयर इन इट, सो व्हाई द फोक म्यूजिक इज मोर लव्ड, मोर accepted, more appreciated than the Ragdari Sangeet? It is because Rag Sangeet has incorporated Shastra, and folk music is totally based on the emotional aspect of the traditions. Simpler form of Raga. No, if you look at it, our compositions are very simple. There are so many compositions as children we learned in Rag Yaman or Bhupali, or if you give even a small child, he will sing it very easily. But what is difficult is the way we improvise them. Usme shastra aa jata hai. We have certain kriyaen. Usme har gharane ki apni alag alag kriyaen hoti hain. Usse hum ragdari ko samriddh karte hain. We improvise on them. Folk jo item hai, that is a fixed item. That is, I can say that it is 80% composition and 20% improvisation, or maybe less than that. But in Raga Sangeet, the composition takes only 20% of singing time, and 80% is improvisation. So improvisation is based on what? It's based on your classical knowledge, the knowledge of the kriyaen, kis tarah se aap usko sajayenge, uske upar hai. So it takes a lot of knowledge, it takes a lot of awareness, it takes a lot of time to master all this. So that is why folk is more popular. It belongs to masses, and as I said, classical had always been for classes, not for commoners. This is the basic difference. This is the last one. As every state has its own cultural environment. So, as South Indians and Bengali music are more inclined to Indian classical forms, what efforts can be made to make classical music or Ragdari Sangeet more popular in other states? They are, people are becoming aware of it. As I said in my concluding, part of my lecture, that these television reality shows, whatever they are,
they are glamorous, they are everything. And some organizations are organizing classical music contests also online. So they are making people aware of this. And these days, in Bengal at least, I can see that nobody thinks in terms of learning Rabindra Sangeet and be happy with that, or learning Nazrul Geeti and be happy with that, or learning Baul and being happy with that. They want to have a classical grooming before going, before opting out. Even for learning Rabindra Sangeet, children now want to learn classical music. And they want to be trained by a proper classical musician. Under his direction, they want to have training and then opt for different genres. This is very evident. That is why we find such amazing talents on television shows now. Ma'am, there are some questions in the chat box. Sameer Duble ji asking, can we treat the use of art music, classical music in Natya Sangeeta in Maharashtra as a strategy to enhance the Indian identity and nationalism? Sorry, can you repeat it loudly? Yes, ma'am, of course. Sameer Duble ji is asking in chat box, can we treat the use of art music or the classical music in Natya Sangeeta in Maharashtra as a strategy to enhance the Indian identity and nationalism? I cannot understand what he's saying. नाट्य संगीत में क्लासिकल म्यूजिक यूज करते हैं या नहीं? नाट्य संगीत, महाराष्ट्र के नाट्य संगीत में इसको क्लासिकल म्यूजिक के प्रोडक्शन को क्या वो इस तरह से नहीं ले सकते हम कि ये एक इंडियन आइडेंटिटी और नेशनलिज्म को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है? कैन वी ट्रीट द यूज of art music in Natya Sangeet as a strategy to enhance the nationalism? Yes, yes. Why not? People have done it earlier. Music can be a very powerful weapon to enhance or give vent to nationalism. And music is an art, as I said, if you take it holistically, it includes everything. It includes yoga, includes pranayam, it includes mathematics, it includes science, it includes literature. What is not there in music? Yes, ma'am. So now it is high time, and actually the time to call our next speaker. Thank you so very much, ma'am. We are really grateful to have you in our session. Thanks a lot. This has been very nice experience for me. Thank you. Thank you very much. Pranam. My humble pranam. Hitendra ji, over to you. Hitendra sir. Ji ji, ma'am. Thank you, Banerjee ma'am. आपको प्रणाम जी. बहुत बहुत अद्भुत तरीके से आपने सारे सवालों का जवाब दिया. एंड योर लेक्चर एक्चुअली इट वाज एनथ्रॉलिंग एंड कैप्टिवेटिंग. आई एम स्टिल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट यू शेयर्ड विद ऑल ऑफ अस. नाउ इट इज टाइम फॉर द नेक्स्ट स्पीकर टू इनवाइट हर. वी हैव अमंगस्ट अस डॉक्टर मीता पंडित. शी विल बी इंटरैक्टिंग विद द convener and the director of this particular webinar along with the questions of participants. She has especially been invited here to present her deliberation on the topic preserving cultural tradition and cultivating new thought process in Indian classical music. Before I invite her for the interaction, I would like to give her a brief introduction
Meeta Pandit is a leading and popular vocalist of Hindustani classical music. She has enthralled audience both in India and in more than 25 countries. Meeta ji is a top grade artist of All India Radio. Her rendering of Sufi, Chumri, devotional and light genres are equally soulful. And she belongs to the Gwalior Gharana. She is the granddaughter and disciple of Padma Bhushan Pandit Krishna Rao Shankar Pandit. Some of her memorable performances in India are Savai Gandharva Festival, Pandit Dinanath Mangeshkar Festival, NCPA Thane Festival, Satpav, Dovrlain Music Conference, Hari Vallabh Sangeet Samaroh, Tansen Festival, Bhakti Sangeet Festival, Jaipur Literature Festival, so on and so forth. Many to name, and there are few notable performances abroad outside India: Darbar Festival London, WOMAD Festival Adelaide, New Zealand, Europeala India Brussels, SARC Music Festival Islamabad, Mogam Festival Azerbaijan, Mela Oslo, the Bazaar, Opera, Big Bang, Thales, Test, Books, Arts, Brussels. Many, many to name them. Meeta ji has been a part of several international collaborations, including Strauss, Reflected. She has sung for internationally acclaimed films, Silent Waters, No Man's Land. There are many awards at her credit. To name a few, Sangeet Natak Academy, Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar, Indira Gandhi Priyadarshini Award, the Golden Voice of India, Surmani Yuva Ojaswini Yuva Ratna, Delhi Ratna, FIWCI Award for the Field of Music, Atal Bihari Vajpayee Award for Art and Culture. Meeta ji has been very active in promoting and propagation of Indian classical music worldwide. She had authored the book India's Heritage for Gharana Music, Pandits of Gwalior. She has presented a popular music appreciation series called Swar Singer on World Space Satellite Radio. We are indeed very much fortunate to have such a wonderful and renowned, well-known artist amongst us. Main Meeta ji ko in char panktiyon se invite karna chahunga ki khoobsurat si haveli ka pata tum sa hi hoga. Khoobsurat si haveli sa pata tum sa hi hoga. प्यार की बस्ती का हर एक रास्ता तुम सा ही होगा. फूल की हर पंखुड़ी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी. प्रीत के मंदिर का हर एक देवता तुम सा ही होगा. वेलकम मैम फॉर योर डेलिब्रेशन. आई इनवाइट भूमिका मैडम आल्सो फॉर द इंटरेक्शन सो दैट द सेशन गोज वेरी वेल. वार्म वेलकम नीता मैम, डॉक्टर नीता पंडित. I have to welcome you on this international webinar Namaste. Session. It is an interactive session. There are my questions. Please quench our thirst for the topic, preserving cultural traditions as well as cultivating a new thought process. Meri awaaz theek aa rahi hai? Awaaz aa rahi hai. Dhanyawaad. Am I audible to you? Hello, ma'am, am I audible to you? Yes. It's very good. Thank you. So, ma'am, talking about preserving cultural tradition as well as cultivating new thought process. And in this new thought process, we will include some new ideas, new process we are seeing in our day-to-day life. That social media, that digital instrument, this all, in a thought process, apart from that thought process, this also is a new thing, which is we are dealing with in our day-to-day life and music field. So, what changes you observe while teaching to your students? How is it different from the environment when you were learning music years back with the old principles? सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए. और हम जो संगीत और आर्ट की दुनिया है, अभी कोविड की वजह से आई थिंक सबसे ज्यादा, अगर मैं कहूँ कि बहुत बुरी तरह से अफेक्टेड हुई है, क्योंकि संपूर्ण विश्व में कार्यक्रम भी स्थगित हुए हैं और
सीखने का सिलसिला, सिखाने का सिलसिला, उसने तो एक डायनामिक चेंज पहले भी लिया था, पर अभी तो एक बहुत ही अलग रूप में वो उसी प्रकार से व्यवस्थापित हुआ है अभी, क्योंकि अभी काल ऐसा है कि कार्यक्रम नहीं हो पाते हैं, और द ओनली थिंग दैट इज पॉसिबल राइट नाउ इज टू बी कनेक्टेड वाया द मीडियम्स विच आर अवेलेबल. थैंकफुली आई डोंट नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ दिस वाज नॉट देयर, बट जस्ट टू सी फॉर एग्जांपल विदुषी मीना बैनर्जी जी, इट वाज सो ब्यूटिफुल जस्ट टू सी आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, एंड टू जस्ट, क्योंकि हम इस माध्यम से देख पा रहे हैं, और देखना सुनना कितना अच्छा लगता है, कितना वॉर्म्थ आती है उससे, कितना अश्योरेंस मिलता है. तो वो उसी प्रकार का एक अश्योरेंस मिलता है किसी भी शिष्य को जब वो अपने गुरु के सामने सीना वसीना तालीम लेता है. और पहले के जमाने में, पहले के जमाने को छोड़िए, मैं तो कुछ साल पहले की बात कर रही हूं, जबकि इंटरनेट इतना व्यापक नहीं था, तब तो गुरु के घर में जाके ही तालीम होती थी. तो हमने ही, यानी कि मैं छठी पीढ़ी हूं अपने परिवार की, और पहले तो शिष्य जो हैं अपने हमारे घर में ही रहते थे ग्वालियर में. यूज्ड टू बी, इज इट बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश और इन हिंदी? Whatever, for which you are comfortable. Oh, thank you. So, पहले तो हमारे घर पे ही रहते थे वो, और घर भी बहुत बड़ा था ग्वालियर में, और विद्यालय तो था ही बहुत बड़ा. तो वहीं पर स्टूडेंट्स बाहर से भी आते थे, और अनेक अनेक स्टूडेंट्स वहीं पर भी रहते थे, और खाने पीने की भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं थी. और धीरे धीरे उसके बाद आप जाते हैं कि ग्वालियर का बेस छोड़कर पिताजी दिल्ली आए. जब वो दिल्ली में आए तो दिल्ली बड़े शहरों में घर इतने बड़े नहीं होते हैं, दे आर फ्लैट्स यू नो. सो वहां पे जब वो शुरू के दौर में आए तो उनको रियाज का बहुत बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो कैनॉट प्लेस में जाते थे, और कैनॉट प्लेस में एक बहुत फेमस पार्क है जिसका नाम है सेंट्रल पार्क. तो वो वहां पर बैठ के रियाज करते थे. तो एक बार मैंने उनको सुना है ये बताते हुए किसी को, कि एक कांस्टेबल उनके पास आया कि आप यहाँ पे रोज आते हैं और यहाँ पे ऐसा लगता है आप गाना गाते हैं, तो आप क्या करते हैं? यू नो, ही वाज आस्किंग हिम. Because my father used to live in small flats, you know, that time when he had come to Delhi so many years back. So he would find, you know, a huge space jisme ki aaram se wo baith ke riyaz kar paate the. Aur logon mein kitna kautuhal hota hai samajhne ka ki what you are doing. Humne hi dekha hua hai ki kitne hi shishy apna jo ki Delhi se bahar rehte hain, wo Saturday Sundays ko time karte hue ट्रेन से आते थे, सीख कर चले जाते थे. और यही चीज, क्योंकि मैंने क्योंकि मुझे सिखाना भी बहुत अच्छा लगता था, पर परफॉर्मेंस की वजह से मैं ज्यादा सिखा नहीं पाती थी. पर जिन सैटरडे संडेज को मैं घर होती हूँ, तो तब मेरे शिष्य आते हैं बाहर से, तो आते हैं सीख कर चले जाते हैं, एंड बिकॉज मंडे इज अ वर्किंग डे फॉर देम. और धीरे धीरे व्हेन द इंटरनेट स्टार्टेड हैपनिंग, यू नो, एंड इट बिकेम सो पॉपुलर, इट वॉज जस्ट, they would say that, you know, क्योंकि एक शहर में एक गुरु के पास जाने के लिए, मान लीजिए कोई ग्रेटर नोएडा रहता है, तो 40 किलोमीटर की दूरी में इन सिटीज इट टेक्स अबाउट 2 hours टू कम टू द हाउस. तो हमने देखा कि बहुत टाइम में पॉसिबल नहीं हो पाता है टू गो टू द गुरु. तो इस मीडियम से, वर्चुअल मीडियम से सिखाना फिर शुरू हुआ, और उस चीज ने इतना ज्यादा उसका बढ़ोतरी हुई उसकी, और कोविड में तो अभी 100% इसी रूप में है. सो
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है, ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप उसको, आपकी जो सांस्कृतिक विरासत है उसके द्वारा आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आप उसको और एनरिच कर सकते हैं, आप पहुंच सकते हैं। अब जो शिष्य दिल्ली को छोड़ दीजिए विदेश में भी हैं, वो मुझसे कितने ही साल से सीख सकते हैं, और ये केवल और केवल इंटरनेट के वजह से हो पा रहा है। तो इतना फर्क आ जाता है, और उस हिसाब से हम अपने सिखाने की पद्धति भी थोड़ा थोड़ा सा उसमें हम ट्वीकिंग करते हैं, जिससे कि यू कैन मेक द बेस्ट ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू बी विद द स्टूडेंट इन द बेस्ट मीडियम व्हिच इज पॉसिबल। तो ये चीजें जो हैं, ये बहुत मुझे लगता है कि इंटरनेट की एक अपनी बहुत बड़ा योगदान है, और उसको बहुत अच्छे प्रकार से आजमाया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मैम, आल्सो कैन यू ऐड समथिंग अबाउट द आई मीन साइकोलॉजिकल चेंजेस और जनरेशन चेंजेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ सीना बसीना तालीम? आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट। हाँ बिल्कुल, ये एक और बात है कि अभी देखिए कि अगर आप शिष्यों को देखें तो, और मैं कह रही हूं कि मैं स्टूडेंट लेवल, मैं तो स्कूल लेवल से भी शुरू कर रही हूँ, स्कूल लेवल पे मैं देखती हूँ कि प्रेशर पढ़ाई का बहुत है। दूसरी बात, दूसरे चेंज मैंने ये देखा है कि पेरेंट्स बच्चों को केवल एक एक्टिविटी में नहीं डालते हैं, दे आर इनटू मल्टीपल एक्टिविटीज। सो दे ऑल्सो हैव द टेनिस क्लास, दे ऑल्सो हैव स्विमिंग, दे ऑल्सो हैव म्यूजिक, दे ऑल्सो हैव डांस, दे ऑल्सो हैव बॉलीवुड सिंगिंग, and then you know so many other things. You know, I feel that the poor children have no time to play, they have no time to play. So when I ask a lot of my mere bahut pyare pyare shishya hain, acha ga rahe hain, to kyunki hamara ek rishta keval guru shishya ka nahi hai, they are like my children, you know. So mujhe share karte hain, humko maa hamare paas samay hi nahi milta hai, we don't get time for anything, you know. Sometimes they get so exhausted. Abhi online itna zyada hai ki poor things, they have to work from 8 in the morning till whatever time, because uske baad extra classes bhi hain. To kya hua hai ki there is a lot of infringement of time. Samay has become the premium. Time has become premium. Aur unfortunately, hamara jo sangeet hai, isme koi shortcut nahi hai. Isme jo समय लगता है पकने के लिए वो तो लगता ही है। और जैसे कि हमारे दादाजी ने एक बहुत अच्छी जो बात मुझे याद आ रही है इसी बात पे, वो कहते हैं कि कोई आपको किसी शिष्य को एक परंपरा में जुड़ने के लिए एटलीस्ट, एंड आई एम सेइंग एटलीस्ट, कम से कम एक तप, तप का मतलब है 12 साल, और वो कम से कम है, क्योंकि वो गायकी बिठाने के लिए, और केवल गायकी नहीं होती है, सीखना बहुत सी बातें होती हैं। आप जितने गुरु के पास रहेंगे, उनके साथ कार्यक्रम में जाएंगे, या जितना आपका संसर्ग होगा उनके साथ, उससे आप बहुत सीखते हैं। एंड इट इज नॉट ओनली जस्ट द म्यूजिक, यू हियर, यू लर्न सो मच फ्रॉम हियरिंग। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई फील द चेंज is the infringement of time which is being faced by people who are students in school, they're in colleges, they're doing professional courses, and even if they're working, I think the number of hours that they have to spend is enormous. So it is, then that means ki humko utne hi samay mein we have to try to give as much as possible. तो ये थोड़ी सी बातें मुझे लगता है कि हैव बिकम अ लिटिल चैलेंजिंग फॉर द फील्ड ऑफ म्यूजिक, फॉर द फील्ड ऑफ एनी फाइन आर्ट्स फॉर दैट मैटर। ट्रू मैम, वेरी ट्रू। दूसरा एक मेरा सवाल है कि आजकल जो घराने सब घराना आर गेटिंग मिंगल
घरानों की जो बाउंड्रियां हैं जिनके बारे में बहुत स्टीरियोटाइप एक इमेज का घराना ये कर रखा है, उसने बांध रखा है. एक बार फिर से बोलिएगा प्लीज. दे द घरानास आर गेटिंग मिंगल. हां ओके. घरानास आर गेटिंग मिंगल. पहले जो जिस तरह का एक बहुत स्टीरियोटाइप इमेज था, घराने बहुत रिजिड हैं, इन्होंने सब कुछ बाउंड्री में अपनी अपनी बांध रखा है और ये नहीं. अब पहले ये था, अब वो दे आर गेटिंग मिंगल, तो अब ये परेशानी है कि घराने की वो जो पहचान थी, वो जो बात थी, वो बची नहीं है कहीं. अब कौन से घरानेदार, अगली जनरेशन में कौन घरानेदार गायब होगा? सो आई जस्ट वांट टू नो योर ओपिनियन अबाउट दैट, लाइक इज इट गुड फॉर इंडियन क्लासिकल म्यूजिक? The use of technology has made the world very small. So today, even without attending the program, you are able to hear any artist on this planet. So that is very good in one way. But when it comes to learning, when it comes to learning a certain style of music, this becomes a little deterrent. I'll tell you one small example, because कुछ चीजें देखिए हम agree जरूर कर सकते हैं, और the first thing is to realize what has happened as a result of that, and then we will come to the next part of the question. So as a result, the student जिसको हम पहले कह सकते थे कि तुमको इतना ही रियाज करना है या तुम अभी यही चीज सुनो, उसको आप रोक नहीं सकते, because in the convenience of his own bedroom, he is able to hear anybody and everyone. And he doesn't realize that the guru is telling him to refrain from hearing too much. And there's a reason for that. The reason is because koi ek paddhati aapke dimag mein bithane ke liye ya gale mein bithane ke liye, kyunki aap ek paddhati ko follow kar rahe hain, usko samay lagta hai. And if you are being bombarded with so much around you, that process becomes a little jumbled up, because the brain cannot really understand. अच्छा मुझे इसी रास्ते जाना है, वो तो हो नहीं गया, because music कोई 2+2=4 तो है नहीं. अगर आपने कोई अच्छी हरकत सुनी है, वो तो सहज आ ही जाएगी. So these are the things, you know, which become very difficult. So मैं आपको बताऊं कि मुझे इतने सारे ऐसे लोग आते हैं जिनके गले में है तो बात, बट दे आर जस्ट इट्स अ कंफ्यूज्ड गायकी. सो कंफ्यूज्ड गायकी में, यानी कि आपको अब ख्याल है उसको किस तरह से अनफोल्ड करना है, उसकी भी एक तरीका है. यू कैनॉट लर्न इट बाय वॉचिंग अ यूट्यूब चैनल, यू नो इट, यू कांट लर्न इट. उसके लिए, क्योंकि ये इतनी गूढ़ बातें हैं, पहली बात है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द बातें मैं आपके पहले डिस्कशन में भी ये सुन रही थी, दे विल नॉट टीच यू दैट. दोज आर द अनसेड थिंग्स विच ओनली अ गुरु, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट हियर मी आउट, अ गुरु, एंड दैट टू अ गुरु हु इज हिमसेल्फ फ्रॉम अ सर्टेन पेडिग्री, ओनली ही कैन टीच यू, नॉट एवरीबडी. बिकॉज वो भी पेडिग्री चाहिए, अगर उनको पता होगा तभी वो बता पाएंगे. तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पद्धति, स्टाइल, ये सब तभी पॉसिबल है जब आप एक सर्टन, देयर इज अ सर्टन वे टू गो अबाउट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास जब कोई शिष्य आएगा, तो अगर वो इस लेवल का है तो उसको इस लेवल की यमन की बंदिश सिखाई जाएगी, अगर वो इस लेवल का है तो एक अलग लेवल की सिखाई जाएगी. इट इज नॉट पॉसिबल कि उनको इस लेवल में हम ले जाए, नहीं, क्योंकि वो गले में आएगा नहीं, इट विल गो अबव देयर हेड. सो बट दीस थिंग्स आर समटाइम्स यू नो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड, दैट व्हाई दिस इज लाइक दिस, व्हाई शुड आई नॉट बी हियर समबडी एल्स, यू नो इट कैन बी इजीली मिसअंडरस्टूड. बट देयर इज अ वेरी, बिकॉज ये जो सिखाना है ये भी एक बहुत डीप कला है. ये नॉट ऑल आर्टिस्ट कैन टीच,
And similarly, not all teachers can perform. So the choice of the guru and to listen to what he is saying in that process is very important. It is of paramount importance. If you want to take yourself to a certain level, हाँ अगर आपको एक थैली के चट्टे बट्टे ही बनना है फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको जो मन आएगा आप करिए, आपको तो गुरु किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, आप YouTube में सुनिए ना फिर। So the conclusion is like getting mangled off gharana is not really good, but no. Now this is a separate point. An artist to do that consciously is a different thing than, unfortunately, having mingled. Okay. Because yes. You are not refraining yourself. इसके लिए रोकना पड़ता है ना अपने आप को. Right. आपको रोकना पड़ेगा कि मैं हाँ मुझे मेरे गुरु ने कहा है कि मुझे अभी यही सपाटतान करनी है. ये सपाटतान जब तक नहीं होती मैं इस स्थान पे नहीं जाऊंगा, मेरे गुरु ने मुझे कहा है. सो यू हैव टू लिसन टू दैट. होता क्या है कि जब आप बॉम्बार्डेड हो जाते हैं तो आप यू आर, क्योंकि पुलिसिंग तो आप ही करेंगे ना अपने ऊपर, गुरु तो है नहीं आपके साथ, आप तो गुरु के साथ नहीं रहते तो पुलिसिंग कौन करेगा. ये तो खुद पर आपको कंट्रोल होना पड़ेगा कि मुझे ये राह बताई गई है और मैं इस रास्ते चलूंगा, बात खत्म. तभी वो गायकी चढ़ेगी. आप नहीं मानेंगे उस बात को तो नहीं चढ़ पाएगी गायकी. अब whether this is right or wrong, this is a very different creative level question according to me. Because संगीत में, सृजनात्मक कलाओं में right or wrong, ये एक बहुत बड़ा question mark है यहाँ पर. Because बहुत से बार सृजनात्मकता की आड़ में आप उस चीज को ये भी कह देते हैं कि भाई मैंने ये कोशिश कर ली, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. बट एज लॉन्ग एज उस गायकी में कुछ पुख्तापन तो लगे, कोई पुख्तापन तो लगे ना उसमें, उसमें कुछ डेप्थ तो होनी चाहिए ना. डेप्थ कैसे पता चलती है आपको किसी कलाकार की? आप उनका गाना एक ही राग एक ही बंदिश सुनिए ना 10 concerts, तब आपको पता चल जाएगी डेप्थ. If it is the same thing being produced, the same tihais, the same paltas, the same tans, तो आपको पता है, है ना? तो उसके लिए audience भी थोड़ा सा समझदार audience ही इसको determine कर सकती है. एक एक आम audience इसको नहीं समझ पाएगी. Yes ma'am. So I just asked this question because on one hand, this last question that gharanas are getting mingled, is it good for Indian classical music? I just ask this because on one hand, we are preserving our cultural traditions, right? On one hand, we are preserving our cultural traditions. And on the other hand, it's needed to cultivate the new thought process. And it is naturally in the process of getting mingled of gharanas, new thought process aa raha hai, kuch blanks hote hain, acche beautiful blanks are there. So kya aate hain, sorry, kya hote hain? Kuch musical, good musical blanks, matlab acha judao blend, blend, okay, musical blend hota hai, okay, yeah. So blanks are there, but is it, I mean, how can we set a balance in between? New thought process भी हमें लाना है, घराने ऐसा है, एक मिनट, ऐसा है कि एक तालीम लेकर गाना गाना, एक परंपरा में होकर गाना गाने का मतलब ये नहीं है कि उसमें क्रिएटिवनेस नहीं है. तो सबसे पहले तो हम बेसिक्स पे आ गए हैं. ये बेसिक सबसे पहले इम्पोर्टेंट है समझने की, कि ये सोचना कि 10 गुरु के पास जाकर ही मैं क्रिएटिव लेवल पे, सृजनात्मक लेवल पे हाई बनूंगा, ये गलत सोच है. इस ये सोच में कोई दम ही नहीं है, क्योंकि
कोई भी अच्छी परंपरा, एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, कोई भी अच्छी परंपरा आपको सोचना सिखाती है, आपको कॉपी करना नहीं सिखाती। द मोस्ट प्रोफाउंड गुरुज विल टेल यू दिस पाथ, डोंट कॉपी, लर्न एंड अपनी सृजनात्मकता से अपनी गायकी बनाइए, विच इज ट्रू टू योर सेल्फ, विच इज ट्रू टू योर वॉइस, विच इज ट्रू टू द स्टाइल ऑफ योर प्लेइंग। डोंट बिकम अ कॉपी, नोबडी वॉन्ट्स टू हियर अ कॉपी, नोबडी वॉन्ट्स टू सी एज अ रॉक्स पेपर, एनीबडी वॉन्ट्स टू सी ओरिजिनल ओनली। सो वो अलग बात है कि आपने, अगर आप में ही दिमाग नहीं है तो उसमें तो कुछ खैर कुछ नहीं किया जा सकता, पर कोई भी अच्छी परंपरा ये नहीं सिखाता। सो ये कहना कि कोई तालीम शुदा है, एक गुरु से सीखा है, इसका मतलब उसमें क्रिएटिव इंस्टिंक्ट नहीं है या कम है, आई थिंक आई वुड एब्सोल्युटली नॉट एग्री विद दिस। क्रिएटिव प्रोसेस का होने में ये एक अपनी सृजनात्मक जर्नी होती है आपकी, किसी भी कलाकार की, किसी भी साधक की। जब उस साधना में आप इतने डीप हो जाएं और आपने इतनी तालीम ली है कि आप सबसे पहले समझते हैं कि अच्छा ये गायकी को मैं बहुत अच्छे साध रहा हूं, पर शायद मेरे लिए अगर मैं ये करूंगा तो ये अच्छा रहेगा, इसको कहते हैं थॉटफुलनेस। तो जैसे कि ये बंदिश है, पर ये बंदिश मुझे सूट नहीं कर रही है, क्योंकि ये एस्पेक्ट जो है, ये इसमें जो भारी गमक है, ये जब मैं गाता हूं या गाती हूं तो मुझ पर नहीं जच रहा है। और फॉर दैट मैटर किसी कलाकार का कहना, मुझे बहुत अच्छा लगता है दरबारी, पर मेरी आवाज की टोनैलिटी उसको जस्टिस नहीं कर रही है, इसको कहते हैं सोचना, जो कि किसी भी अच्छे कलाकार के बनने की पहली कड़ी है। और किसी भी अच्छे गुरु के पास जब आप जाएंगे तो वो आपको यही रास्ता दिखाएंगे, वो कोई गुरु ही नहीं कहेगा कि तूने ये कैसे तान ली, इसमें ये चेंज कैसे आ गया, ऐसा कोई नहीं कहता। एंड मैंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों चुटपन से ही मुझे ये मौका मिला है टू बी इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट ऑफ वेरी वेरी अमेजिंग माइस्ट्रोज, अमेजिंग थिंकर्स, एंड आई हैव बीन एब्सोल्यूटली astonished at their levels of thinking and at their creative expression, वो जो बताते हैं अपने शिष्यों को और encourage करते हैं उनको उस राह में जाने के लिए, I have been absolutely astonished. That is my next, thinking. आप ही की बातों से कुछ सवाल उपज रहे हैं कि किसी में वो समझ नहीं है या वो सोच ही नहीं पाता है, तो वो एक अलग बात है। सो दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट कि हम एक उपज अंग की बात करते हैं। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग लाइक अ न्यू थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस तो हमारे घरानेदार सारे ही संगीतज्ञ जो पुराने धन्य विद्वान सब एक उपज अंग की बात किया करते थे। तो उपज अंग अब के बच्चों में ये जो जो नई सोच का जो कल्टीवेशन है, इस उपज अंग को वो कहाँ तक वो सोच पाते हैं, या उस पे गुरु उनको किस तरह से मदद करे कि वो उस पे सोच सके? वो तो गुरु गुरु करते हैं ना, इट इज अ पार्ट ऑफ द तालीम। नहीं मैम, इसके साथ के साथ बहुत चीजें रिलेटेड है ना। आजकल क्या होता है, ठीक है बच्चा मानेगा तो नहीं, YouTube भी देखेगा, सब देखेगा, और हर जगह पर वो
हर तरह का संगीत सुनेगा सब है। अब ऐसे में उसको सोच आएगी, उसको एक सोच नहीं आएगी, उसको वो जितना जब जितना एक्सपोजर उसको मिल जाएगा उस सब तरह की सोच आएगी। तो हम एक 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 पॉजिटिव और एक आर्टिस्ट मेकिंग जो सोच है जिसको कह रहे हैं कि एक आपने जिस तरह से कहा कि ऐसा नहीं है कि एक घरानेदार एक गुरु से आप सीखें तो आपका थॉट प्रोसेस उतना अच्छा नहीं होगा या आपने वो क्रिएटिविटी नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसको कैसे किया जाए क्योंकि बच्चों को बहुत चीजों का एक्सपोजर है, वो मानने वाले भी नहीं, वो सब कुछ देखने वाले, फिर भी वो प्योर चीज को कैसे। ये तो उनकी तालीम पर ही डिपेंड करेगा और तालीम अगर उसको मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो उसको कौन, आप घोड़े को पानी के पास ले जा सकते हैं, पानी थोड़ी पिला सकते हैं। हाँ ये तो सीधी सीधी बात है, ये तो कोई जोर जबरदस्ती थोड़ी होती है संगीत माने। यही बात है कि ये डिजिटलाइजेशन जो है, ये वर्ल्ड जो है जिसमें हम आज थैंकफुल भी हैं कि हम इस तरह से बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये है, लेकिन हाँ। जब ये है, जब वो ऐप भी है, जब वो इंस्टा है, जब वो हर मिनट में जो मैसेज आता है उस वक्त तुरंत से देखता है तुरंत से, तो हम जब बात करते थे एक पेनेंस होता था, क्लासिकल म्यूजिक एक और शांति पूर्वक एक साधना की जाती थी हमारे बिल्कुल, जितना शांत दिमाग से सोचोगे उतना उपजन बढ़ेगा, उतनी क्रिएटिविटी बढ़ेगी, चुप भी रहने को कहते थे, शांत रहो दिमाग से भी शांत रहो। आज तो कोई शांति नहीं है इनके पास में। हाँ तो ऐसा है कि पहली बात तो यह है कि संगीत कोई पेनेंस नहीं है, पेनेंस का मतलब होता है प्रायश्चित करना, तो उसमें कोई प्रायश्चित तो है नहीं इसमें। It is in the context of sadhana life. नहीं, पेनेंस तो कुछ नहीं है, कोई किसी को सजा थोड़ी, किसी की रियाज करना सजा थोड़ी है। हाँ एकांत में रहना वो अलग बात है, बट इट कैनॉट बी अ पेनेंस। सो पेनेंस का मतलब है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित थोड़ी करना है हमको। बट द पॉइंट हियर इज नाउ, मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ, अच्छा गुरु इज द राइट पॉइंट। आई विल टेल यू इन अ डिफरेंट वे। हमारे जितने भी शागिर्द आते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट इज टोल्ड टू देम, नो कीपिंग ऑफ मोबाइल्स नियर देम व्हेन दे सिंग। यू सिंग फॉर हाफ एन आवर, no picking phones, sing on tanpura, no electronic instruments. Of course, अगर उनमें tanpura मिलाने की काबिलियत है तभी, पर मैं एक अच्छे शिष्य की बात कर रही हूँ और एक सर्टन लेवल पे जो कि खुद tanpura भी मिला सकता है। मेरी बिंदी गिर गई। So, ये चीजें जो हैं, उनको पहले से बताई जाती हैं कि ये चीजें बहुत जरूरी हैं कि संगीत जब आप करते हैं, संगीत एक साधना है, एक मैसेज, एक एसएमएस, एक एफबी पोस्ट, नथिंग उस समय पे केवल संगीत होता है। और आज की तारीख में डिस्ट्रैक्शंस तो अनेक हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस से बचाने का काम आपका खुद की जिम्मेदारी है। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, रास्ते पे चलना तो आपको ही पड़ेगा। आप अगर अपने रियाज के समय एसएमएसेस देख रहे हैं, आप अपने रियाज के समय अगर बीच बीच में सोशल मीडिया देख रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, इट डजंट वर्क लाइक दैट। क्योंकि आपको कुछ भी करना है तो सबसे पहले ध्यान संगीत पे होना पड़ता है। सो इट कम्स बैक टू द सर्कल इज ऑल अबाउट सेल्फ, सेल्फ इज फर्स्ट, आफ्टर दैट एनीवन एल्स। So, the onus of doing your riyaz properly is on the student. So, do it properly. ध्यान से करना, ठीक तरीके से करना, वो उसी पर है।
अगर वो डिस्ट्रैक्शंस में जाता है तो ये चीजें तो समझानी पड़ती हैं और खुद को अपनानी पड़ती हैं कि ये सब नहीं होगा। Does a gharana teaching develop research instincts in the students? What kind of research? Isn't the creativity of a rag a research itself? Something like that, like anusandhanatmak pravritti banana. Kya hota hai anusandhanatmak pravritti? Sorry. किसी पर खोज, किसी पर विश्लेषण या कुछ ऐसी सोच बने। I think it is a it gives you a great food for thought. It gives you a great food for thought. The best of the researchers in the country and abroad have been greatly influenced by the most profound teachers, and that is the proof that it is ultimately the Guru Shishya Parampara which will produce good singers, good instrumentalists, good critics also, good jo बहुत नजदीक रहे हैं गुरुओं के, अच्छे अच्छे कलाकारों के, वो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा भी है, बहुत अच्छी सोच भी आई है उनमें, और किसी एक राग को डिवेलप करना, किसी एक राग को आगे ले जाना, आई थिंक वो in itself is a great process of thinking, of creative thinking. Yes, ma'am. Okay. So, what is your opinion about digital instruments? Of what, sorry? What is your opinion about digital instruments? Digital instruments? Yes. नहीं, ये बहुत बड़ी खोज है ये. Digital instrument तो बहुत बड़ी खोज है और इसका दूसरा रूप ये है कि उस इंटरनेट के वजह से अभी आप इट हैज जस्ट बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन, विच मींस बच्चा हर चीज को सुनता है जहां पर यू नो ही ट्राइज टू पिक अप ईच एंड एवरीथिंग यू नो। सिमिलरली इवन फॉर द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स व्हाट हैज हैपेंड इज दैट a lot of times बच्चे जो हैं तानपुरा मिलाना सीखने की जरूरत नहीं समझते, which is very sad, क्योंकि electronic instrument electronic ही है, वो actual instrument का जगह नहीं ले सकता है, और actual instrument की जो आस है उसको पकड़ कर बजाने में जो आनंद आता है वो एक केवल एक इंस्ट्रूमेंट को खोलकर बजाने में, अगर आपने उस तरह से रियाज किया है तो आप तो समझ पाएंगे मैं क्या कह रही हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने सांस से जुड़े, श्रुतिज कैसे समझ आती हैं उसमें से। सो
जैसे मैंने कहा कि हर चीज के अच्छे पॉइंट्स हैं और हर चीज के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो इसी तरह से ये भी है, ये बहुत अच्छा भी है और इसके दूसरे पॉइंट्स भी हैं विच मेक इट डिफिकल्ट, विच मेक इट यू नो अनफॉर्चुनेटली नॉट नाइस. आई थिंक तानपुरे के साथ रियाज होना चाहिए, आपका रियाज तानपुरे के साथ होना चाहिए, आपका कार्यक्रम तानपुरों के साथ होना चाहिए. एंड an electronic instrument should be only to just you know give that ambient sound. So thank you very much, ma'am. So it was a very interesting and interactive session with you, and thank you so much for being with us. Hitendra ji, it's over to you. Hitendra ji ko haath jana bhi hai jaldi. जी जी मैडम, आई एम हियर. डॉक्टर मीता पंडित मैम, आई वॉज हियरिंग यू वेरी वेरी अटेंटिवली एंड द वे यू वर एक्सप्रेसिंग ऑल योर आइडियाज, टेकिंग प्रॉपर पॉजेज एंड प्रॉपर इंटोनेशन के साथ में एक अच्छे संगीत की मर्मज्ञ कैसे, एक अच्छे डिलीवर कैसे करना है, बात को रखना कैसे है, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ और आपने अभी जो अंत में एग्जाम्पल दिया कि एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट और ये जो इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट में कितना बड़ा डिफरेंस होता है, वो चीज हम भी महसूस करते हैं कि एक तो अपन लेखनी को हाथ में लेकर पेपर पे लिखते हैं और एक टाइप करते हैं कंप्यूटर पे. एग्जैक्टली, कितनी अच्छी आपने बात बोली, वो बिल्कुल एब्सोल्युटली वो मुझे एकदम से रिकॉल हुआ. जो शुरुआत में कुछ पंक्तियां आपकी तारीफ में कही थी, वे खुद लिखते हैं. आपने इतना मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इतना खूबसूरत आपने, सो थैंकफुल फॉर यू. नहीं, आपको सुनने से पहले दिया, अभी आइंदा कभी किसी प्रोग्राम में और मौका मिलेगा तो मैं इसे और बेहतर करूंगा मैडम, क्योंकि उसमें और इजाफा हुआ है. बहुत सारी बातें करी, यू जस्ट गॉट नॉस्टैल्जिक अबाउट योर डैड एंड हाउ यू यूज्ड टू डू रियाज एट सेंट्रल पार्क दिल्ली एंड टाइम कैसे प्रीमियम बन गया. और बहुत अच्छी बात आपने कही, कोई भी अच्छी परंपरा आपको सोचना सिखाती है. एंड हाँ. मैं इस बात से बड़ा इंस्पायर हुआ जहाँ पे आप बोले कि नोबडी वांट्स टू लिसन टू ए कॉपी, एवरीबडी वांट्स टू बी ओरिजिनल. अपनी सृजनात्मकता से अपनी गायकी बनाइए, ये कोई भी गुरु आपको हमेशा यही आशीर्वाद देगा. और आपने ये भी बताया कि अच्छे कलाकार बनने की पहली सीढ़ी ही सोचना है, फ्रीडम ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. साथ ही साथ ये जो जाते जाते आपने जो बड़ी बात बताई, डिस्ट्रैक्शंस कितने हैं आज के दौर में, आज की युवा पीढ़ी करना बहुत कुछ चाहती है, आंखों में सपने बड़े बड़े हैं, गले में वो पावर भी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं. तो संगीत एक साधना है और साधना में एकाग्रमन की आवश्यकता होती है. तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, अच्छी बेहतर और अच्छा तो कोई भी हो सकता है, लेकिन उत्तमोत्तम या बेस्ट होने के लिए गुरु शिष्य परंपरा की जो आपने बात कही, जो वास्तविकता जो धीरे धीरे आज के आधुनिक दौर में कहीं ना कहीं नैफत्य में जा रही है, आपकी बातों से ऐसा लगा कि हमें रूट्स की तरफ जाना चाहिए. जैसा कि इस पूरे कॉन्फ्रेंस का जो टाइटल है कि लेट अस गो टुवर्ड्स रूट, आपने बहुत अच्छे से इसको डेलिनेट किया एंड वी एंजॉयड योर रिप्लाईज, योर आंसर. इट वाज वंडरफुल सेशन हैविंग विद यू मैम. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड बेबाक उत्तर. बहुत मुश्किल होता है सच्चाई से बोलना, आपने बेबाकी से सच्चाई से सारी बातें रखी. थैंक यू सो मच. और मैं मैम भूमिका जी से निवेदन करूंगा कि आज के पूरे दिन का समरी करके सबको, हालांकि थैंक यू देना, वर्ड्स आर इनएप्ट, शब्द हमेशा ही इनएप्ट होते हैं, अपन थैंक यू नहीं बोल पाते हैं, के बावजूद भी मैं भूमिका जी से निवेदन करूंगा कि हम आपकी तरफ से वोट ऑफ थैंक्स आए, देन विल बाइंड. थैंक यू सर, थैंक यू सर. और हमारे इतने अच्छे अच्छे स्पीकर, हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हमसे जुड़ने वाले वो सभी लोग. मैम, यू आर गेटिंग सो मच मैसेजेस देयर. स्टूडेंट्स आर रियली इम्प्रेस्ड बाय यू, दे आर इंस्पायर्ड बाय यू. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. आई एम रियली थैंकफुल टू डिपार्टमेंट ऑफ म्यूजिक, माय कलीग्स, माय टीम हियर, हितेंद्र सर एब्सोल्युटली, एंड Ashwin Dalvi sir, Meena ma'am, and of course you, Meeta ma'am. We are really, I convey my heartiest gratitude, and I'm really very touched
by you. So I just hope you will help me and support me in some other my future events, academic events like that. Thank you so very much. I convey my thanks to all of my students and everyone connected here with me. Thank you very much. We'll meet tomorrow from 4 to 6 for last valedictory session. Thank you. Goodbye. Good night.